नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए खुशी की खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर 99 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस 100 सीटों पर पहुंच गई है, यानी कि 99 से बढ़कर कांग्रेस सांसदों की संख्या 100 हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद विशाल पाटिल के समर्थन का स्वागत किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने अहंकार और बांटने वाली राजनीति को सबक सिखाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, महाराष्ट्र की जनता ने विश्वासघात, अहंकार और विभाजन की राजनीति को हराया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे हमारे प्रेरक दिग्गजों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस को अपना समर्थन देने वाले सांगली से निर्दलीय विधायक विशाल सांगली में भारतीय जनता पार्टी के संजय काका पाटिल को उन्होंने 1,53,000 वोटों से हराया है। विशाल पाटिल को कुल 5,71,666 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय काका पाटिल को 4,71,613 वोट मिले। लोकसभा चुनाव नतीजों के मुताबिक इस बार एनडीए को कुल 293 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात कहे तो बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। गुजरात से एक सांसद निर्विरोध जीते हैं, तो कुल मिला के बीजेपी की संख्या 241 हो जाती है और कांग्रेस की संख्या 99 है। इंडिया की बात कहे तो इंडिया कुल 234 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। अब इनका एक मिला दे तो कुल 235 सीटें हो जाती हैं। हालांकि ऐसे कई निर्दलीय और छोटे पार्टियों के सांसद हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते हैं। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो सांसद इन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने की आंकड़ों की बात कहे तो इंडिया गठबंधन के पास कुल 234 सीटों का आंकड़ा है और सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए, यानी कि 272 तक पहुंचने के लिए अभी 38 सीटों की आवश्यकता है इंडिया गठबंधन को। अब निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया है तो 37 सांसद और चाहिए। जिस तरीके से चुनाव नतीजों के बाद से ही मीडिया सूत्रों के हवाले से यह खबर चला रहा था कि नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत हुई है, हालांकि इस बात की किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। किसी इंडिया गठबंधन या किसी कांग्रेस नेता ने सामने आकर यह बयान नहीं दिया कि हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही थी वो खबर हम आपको बता रहे हैं। मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के किसी नेता या कांग्रेस के किसी नेता ने इन लोगों से संपर्क साधा है और इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया हो, तब भी इस हिसाब से उनकी सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू मिला के कुल 28 होते हैं। 234 में 28 जोड़ भी देते हो 262 की संख्या होती है। अब हालांकि 263 की यह संख्या होती है, मतलब सरकार बनाने के लिए भी 9 सीटें कम होंगी। हालांकि इन्होंने पूरी तरह से आज एनडीए की बैठक में बीजेपी को अपना समर्थन दिया है और सर्वसम्मति से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को लोकसभा का अपना नेता चुन लिया है। हालांकि ये दोनों नेता ही किंग मेकर की भूमिका में है। हालांकि ये दोनों कहीं भी आए बाएं दाएं होते हैं तो एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार खतरे में आ जाएगी। बहरहाल आगे क्या होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।